हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है जीआरसी, और दोस्त आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक कमाल के नंबर के बारे में। डायमेंशनलेस नंबर का ही एक सीरीज है, ये पार्ट है, वो है वेबर नंबर के बारे में। ठीक है, वेबर नंबर के बारे में आज बात करेंगे। वेबर नंबर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रेशियो होता है। मैं एफ वेबर नंबर डिनोट कर रहा हूं, आप कैसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन फोर्स। अब इसका मतलब क्या हो, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये सब मैं आपको हर वीडियो में समझाता आया हूं, यहां पर फटाक से बता देता हूं। देखो, जैसे हर फ्लूइड फ्लो होता है तो वो एक अपने एक्सेलरेशन से फ्लो हो रहा है। अगर मैं मान के चलता हूं फ्लूइड एक्सेलरेटिंग है, तो अगर आप उसको एक ऐसे एनवायरमेंट मान लो कि एक पाइप में फ्लूइड फ्लो करा रहे हो, तो वहां पर विस्कस इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो वहां पर विस्कोसिटी आपके डोमिनेंट होगा, लेकिन वहां पर जो इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया फोर्स का जन्मदाता कौन है, इनर्शिया फोर्स का जन्मदाता है वो फ्लूइड जो फ्लो रहा है उसका एक्सेलरेशन। तो चाहे आप उसको पाइप में फ्लो कराओ या फिर आप फ्लो कराओ कहां, नॉर्मल एनवायरमेंट में अगर वो एक्सेलरेटिंग है तो उसमें इनर्शिया फोर्स हर समय दिखेगा, क्योंकि इनर्शिया फोर्स का जन्म होता है किससे, फ्लूइड के खुद के एक्सेलरेशन से। तो हर फॉर्मूला में आपको इनर्शिया फोर्स से दिखेगा, लेकिन आपको वेबर नंबर वहां पर कैलकुलेट करना है जहां पर आपका सरफेस टेंशन फोर्स डोमिनेटिंग हो। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है अपन को पता है ना, जैसे कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर अगर मैंने ये पानी है मान लिया, जो भी एक फ्लूइड है, इसके ऊपर मैंने इस तरीके का एक स्टिक रखा, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो कि स्टिक के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ये स्टिक को होल्ड करके रखेगा और गिरने नहीं देगा अगर हम वेरी जेंटली इसको ड्रॉप करते हैं। तो वही अगर बहुत जोर से ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये फ्लूइड के अंदर में घुस जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है, एंड ये इसका फिजिकल मतलब हो गया। अब मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। देखो, इनर्शिया फोर्स मैंने कई बार डिफाइन किया है, रो ए वी स्क्वायर, ये कैसे आता है, इनर्शिया फोर्स है मतलब उसके खुद के एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एक्सेलरेशन को लिखोगे वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम को लिखोगे एरिया इंटू लेंथ, और वेलोसिटी इनटू टाइम को वैसे ही मेंटेन रखोगे, उस पर डेंसिटी फिर आ जाएगा, एरिया फिर से आ जाएगा, और लेंथ बाय टाइम हो जाएगा फिर से वेलोसिटी, और एक और वेलोसिटी अपने पास है। तो टोटल क्या आ गया, रो ए वी स्क्वायर आ गया। वही अगर मैं यहां पर सरफेस टेंशन फोर्स की बात करूं तो वो क्या होगा, सिग्मा इंटू एल। ठीक है, कैसे आया, सरफेस टेंशन को अगर मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब ये अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो इसके परपेंडिकुलर लेंथ जो होगा मैं वो दूंगा। अगर फोर्स इस तरीके से है, मान के चलो अगर फोर्स ऐसा है, तो इसके परपेंडिकुलर लेंथ में लूंगा ये वाला। तो फोर्स इनटू फोर्स अपॉन लेंथ नहीं होता है, ये ध्यान रखना, सरफेस टेंशन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ होता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर ही कहानी अपन मान के चलते हैं, तो यहां पर सीधा अपन सिग्मा इनटू एल लिख देते हैं फोर्स को। तो अगर आप वेबर नंबर में इसकी वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, रो ए वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड माय सिग्मा इंटू एल, कुछ इस तरीके का। ठीक है, रो को वैसे ही रखा, लेंथ एरिया को लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं, डायमेंशनली सिग्मा इंटू एल लिख दिए, एल एल कट गया, तो क्या आपका आया, रूट ओवर सिग्मा, माफ करना, रूट ओवर रो एल बाय सिग्मा, ये पूरे ब्रैकेट में पूरा रूट है और ये वेलोसिटी अलग से, तो ये हुआ आपका क्या, वेबर नंबर। तो कुछ इस तरीके का है दोस्त, फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने को समझना है, और यही था वेबर नंबर। आज का वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना, मोटिवेशन बहुत मिलते रहता है, और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना यार, बहुत ज्यादा चैनल को हमको आगे लेके जाना है। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।